अब आज हम देखेंगे बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डीकोडर। तो अब ये सेवन सेगमेंट का मतलब क्या है कि हम सेवन सेगमेंट्स का यूज करके कोई भी नंबर जनरेट, कोई भी डिजिट को जनरेट कर सकें, ठीक है। अभी सेवन सेगमेंट्स का मतलब क्या है, पहले मैं ये इस डायग्राम में बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने डिस्प्लेस में देखा होगा, एलईडी डिस्प्लेस में क्या आता है, अगर उन्हें वन टू प्रिंट करना है तो ये वाली लाइन ऑन, मतलब ये वाला सेगमेंट ऑन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह से टू प्रिंट हुआ, टू डिस्प्ले होता है। अगर इन्हीं का यूज करके उन्हें क्या करना है, थ्री डिस्प्ले करना है, तो ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन। तो इन सेगमेंट्स की यूज से क्या होता है, कोई भी डिजिट क्या होती है, डिस्प्ले होती है। अब सेवन सेगमेंट नाम क्या है, क्योंकि मैक्सिमम हमें कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए सेवन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखो अगर हम सारे भी ऑन करते हैं, सारे के सारे भी, तो ये कितने हो गए टोटल, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, तो कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इसीलिए सेवन सेगमेंट्स की यूज से हम कोई भी डिजिट क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। बीसीडी टू सेवन सेगमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी नंबर क्या देंगे, अगर हमें वन डिस्प्ले करवाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा डिस्प्ले आना चाहिए, टू करवाना है तो मैंने आपको बताया था, थ्री करवाना है तो ऐसा आना चाहिए। मतलब हमारी जो डिजिट होगी वो क्या होगी, बीसीडी में होगी, हमें डिस्प्ले मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ओके। तो अब बात आती है इनपुट्स एंड आउटपुट्स कितने होंगे, क्योंकि बीसीडी है, बीसीडी है, इसका मतलब हमें कितने इनपुट्स देने हैं, फोर, क्योंकि बीसीडी में फोर बिट्स होती हैं, तो हमें फोर क्या देने हैं, इनपुट्स देने हैं। तो ए बी सी डी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फोर इनपुट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आउटपुट्स में मैक्सिमम लाइंस कितनी हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी, मैक्सिमम कितनी है, सेवन है, तो हमें यहाँ पे सेवन क्या लेने हैं, आउटपुट्स लेने हैं। तो ए स्मॉल बी सी डी ई एफ जी, ये क्या हो गए हमारे आउटपुट के सेगमेंट, ये हर एक चीज क्या कर रहा है, एक सेगमेंट को डिस्प्ले कर रहा है। देखो जैसे हमें क्या करवाना है, जीरो डिस्प्ले करवाना है, और ये क्या है हमारे, ये डॉट्स हैं, जीरो डिस्प्ले करवाना है, तो ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा और ये ऑन होगा, ये सभी ऑन होंगे, ओके। ओनली जी क्या होगा, ऑफ होगा, बाकी सभी क्या होंगे, ऑन होंगे। तो इसी तरह से हम कोई सा भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ओके। तो अब पहले हम लिखते हैं बीसीडी की डिजिट्स, तो वो क्या हो जाएंगी, जीरो 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 फोर जीरो, फिर वन के लिए जीरो 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 वन, टू के लिए जीरो जीरो वन जीरो, थ्री के लिए जीरो जीरो वन वन, फोर के लिए जीरो वन जीरो जीरो, फाइव के लिए जीरो वन जीरो वन, सिक्स के लिए जीरो वन वन जीरो, सेवन के लिए जीरो वन वन वन, फिर इसके बाद आता है एट, एट के लिए वन जीरो जीरो जीरो, एंड लास्ट में नाइन के लिए वन जीरो जीरो वन, क्योंकि बीसीडी में हम जीरो से लेकर नाइन तक ही लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें टेन चाहिए तो हम वन और जीरो को मिला के डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम डीकोडर कौन सा लेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें फोर इनपुट्स चाहिए, लेकिन तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, फोर टू सिक्सटीन लाइन डीकोडर लेना पड़ेगा, इससे कम तो हम ले नहीं सकते हैं। तो फोर टू सिक्सटीन लाइन डीकोडर, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, ओनली जीरो से लेकर नाइन तक, तो इसका मतलब टेन से लेकर फिफ्टीन तक की जो मिनटर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डोंट केयर में हमें उनको लेना पड़ेगा, ओके। मतलब मिनटर्म्स तो ये भी जनरेट होंगी, लेकिन उन्हें हमें किस में लेना पड़ेगा, डोंट केयर में लेना पड़ेगा, ओके। तो अब हम यहां पे देखते हैं हमें क्या करवाना है, जीरो डिस्प्ले करवाना है। जीरो डिस्प्ले मतलब ये 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 ऑन, मतलब ए बी सी डी ई एफ को ऑन रखना है। तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ को ऑन, जी को ऑफ रखना है। वन डिस्प्ले करवाना है तो इन दोनों को ऑन रखना है, मतलब ए को नहीं, बी और सी को ओनली। तो बी और सी को ऑन रखा, बाकी सभी को क्या रखा हमने, जीरो रख दिया। फिर हमें क्या करवाना है, वन हो गया, फिर टू करवाना है, तो इसको 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 इसको, अभी कौन कौन से हुए, ए बी सी नहीं, डी ई एफ नहीं, जी। तो अब क्या हुआ, ए बी डी, तो कहां पे थे हम, टू पे थे, तो ए बी डी और उसके बाद में ए बी डी ई और जी, तो ई और जी को हमने ऑन रखा, बाकी सभी को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। फिर हमारे थ्री पे, तो ये थ्री के लिए इनको हमें क्या रखना है, ऑन रखना है, ओके। तो ये इनको हमें रखना है ऑन, तो ए बी सी डी और फिर ई एफ नहीं, जी, तो ए बी सी डी और जी।
तो ए बी सी डी और जी को ऑन रखना है, बाकी सबको जीरो कर देना है। फिर हम आते हैं फोर पे, तो ये क्या हुआ, फोर का हुआ। तो अब ए नहीं, बी सी और डी ई नहीं, एफ और जी, तो बी सी एफ जी। तो कहाँ पे थे हम, बी पे, सी पे और फिर एफ और जी पे। ओके देखो, बी सी एफ और जी, तो यहाँ पर बाकी सबको हमें क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। फिर हम आए फाइव पर। ओके तो फाइव पे हमें क्या करना है, कैसे बनेगा फाइव, ऐसे ऐसे, ये और ये फाइव बन गया। तो ए बी नहीं, सी डी ई नहीं, एफ और जी, तो ए सी डी एफ जी। तो ए सी डी एफ जी, इन सबको क्या रख दिया हमने, जीरो रख दिया। फिर आते हैं हम सिक्स पे, तो सिक्स को कैसे लिखते हैं, तो ये इस तरह से हम सिक्स को लिखते हैं। तो ए बी नहीं, सी डी ई एफ जी, मतलब बी को छोड़ के बाकी सभी। तो इसमें आप बी को छोड़ दो, बाकी सभी को ऑन कर दो। फिर हम आते हैं सेवन पे, तो ये क्या हो गया, सेवन हो गया। सेवन में क्या क्या है, ए बी और सी, बाकी सभी ऑफ हैं। तो ए बी सी, बाकी सबको ऑफ रखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम एट पे, तो एट में सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो एट के लिए हम सबको क्या कर देंगे, वन कर देंगे। फिर लास्ट आता है नाइन, तो नाइन के लिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके ये क्या बन गया, नाइन बन गया। तो अब इसमें हमने ए बी सी डी और ई को छोड़ के बाकी सभी को क्या करना है, ऑन करना है। तो ई को ओनली हमें छोड़ देना है। तो ए बी सी डी ई को छोड़ के बाकी सबको ऑन कर दिया। तो ये बन गई हमारी ट्रुथ टेबल। अब हमें क्या बनाने हैं, इन सभी आउटपुट्स के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो इन सभी के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। तो अब हम इन सभी के लिए के मैप बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये इसकी टेबल को देख के क्या बना लिए, के मैप सारे बना दिए। ये ए के लिए बी सी डी ई एफ और ये लास्ट में जी के लिए मैंने ये के मैप बना दिया। अब इनके करने के रुपये, ये के मैप बने कैसे हैं, तो वो हम देखते हैं। देखो हमें क्या देखना है, ए कहाँ कहाँ पर वन मिल रहा है। तो ए कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, जीरो 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 पर, मतलब ये जीरो जीरो और जीरो जीरो पर वन मिल रहा है। फिर कहाँ और वन मिल रहा है, टू पर, मतलब जीरो जीरो वन जीरो पर, तो जीरो जीरो वन जीरो पर। तो इसी तरह से जहां जहां पर भी ए की वैल्यू हमें वन मिल रही है, लाइक जीरो जीरो वन वन पर, तो जीरो जीरो वन वन, यहाँ वन मार्क कर दिया। अब क्योंकि हमें क्या पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 10 से लेकर 15 तक हमें क्या लेनी है, डोंट केयर, क्योंकि बी सी डी टू 7 सेगमेंट डिकोडर है। तो इन हर एक के मैप में मैंने 10 से लेकर 15 तक की जो भी टर्म्स है वहां पे क्या लिख दिया है, क्रॉस कर दिया, मतलब ये क्या है, डोंट केयर कंडीशन है। और इसी तरह से ये सारे मैप बना दिए, बी जहां जहां पर भी हमें मिल रहा है वन, वहां पे हमने क्या कर दिया है, वन मार्क, मतलब कौन सी एबीसीडी की कौन सी वैल्यूज पे हमें बी सी डी ये सभी वन मिल रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। अब हम करते हैं इनकी ग्रुपिंग। पहले हम बात करते हैं, पहले हमें इक्वेशन किसकी लिखनी है, ए की लिखनी है। तो अब हम ए के ग्रुप्स बनाए, तो पहला ग्रुप ही, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है, सबसे बड़ा ग्रुप बनाए। तो पहला ग्रुप हमारा ये बन गया। ओके इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमें बनाना है। तो अब हम क्या करें, इन दोनों वंस के लिए, देखो अब हमें क्या करना है, इन दोनों वन के लिए ग्रुप बनाना है। तो अब हमारी कोशिश क्या रहेगी, सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की। तो अब हमने क्या कर दिया, ये इस चीज को कवर कर दिया, ये सेकेंड ग्रुप बन गया हमारा। फिर हमारा आता है, अब हमारे कौन कौन बचना है, ये वाला वन बचता है। तो अब हम ये वाला ग्रुप बना देंगे। अब हमारा ये लास्ट वाला वन बचता है, जिसके आसपास तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं, रूलिंग से ये वाला ग्रुप भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करें, इन सभी के नाम लिखें। तो अब हमें क्या लिखना है, स्मॉल ए इज इक्वल टू, पहले हम इस वाले सबसे बड़े ग्रुप का नाम लिखते हैं। ओके तो यहां पर ए की वैल्यू फिक्स है, क्या है, वन है, तो हम क्या लिख देंगे, कैपिटल ए लिख देंगे। उसके बाद में हम देखें कि यहां पर देखो ओनली किन में आ रहा है, इन दो रोस में आ रहा है, इन दो रोस में भी सिर्फ किसकी वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू फिक्स है, तो हमने ए लिख दिया। और इन फोर कॉलम्स में क्या आ रहा है, किसी की भी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम उनको एलिमिनेट कर देंगे। अब हम इस वाले ग्रुप का नाम लिखें। तो इस वाले ग्रुप में देखो क्या हो रहा है, इन चार रोस में सभी वैल्यूज ए और बी की चेंज हो रही है। इन दोनों कॉलम्स में सी की वैल्यू फिक्स है, क्या है, वन है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। फिर अब हम इस वाले ग्रुप का नाम लिखें। इस वाले ग्रुप में क्या हो रहा है, इन दोनों रोस में बी की वैल्यू फिक्स है, क्या है, वन है, तो हम बी लिखेंगे।
और फिर इन दोनों रोस में किसकी वैल्यू फिक्स है? देखो सी की वैल्यू तो चेंज हो गई है, लेकिन डी की वैल्यू क्या है? फिक्स है, वन ही है, तो हम क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। ओके, ये वाली भी हो गया। अब ये दोलिंग वाला जो ग्रुप बना है उनके लिए देखें, तो प्लस, अब इन दोनों रोस में बी की वैल्यू फिक्स है, जीरो है, तो हम बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ओके, और फिर इन दोनों रोस की बात हो गई, इन दोनों कॉलम्स में किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू फिक्स है, जीरो है, तो हम डी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्मॉल बी की इक्वेशन। इस वाले का अब हमें बनाना है के मैप। देखो अब यहाँ पे जीरो है, अदरवाइज ये वाला ग्रुप बन जाता, तो ये वाला ग्रुप हमारा नहीं बनेगा। तो अब हम एक और बना सकते, ये चारों वन है, यहाँ पे दो वन और ये दो क्रॉस है, तो इनसे हमारा ये वाला एक ग्रुप बन सकता है रोलिंग की हेल्प से। ये बन गया। अब बात आती है इस वाले वन की। तो अब हम इस वाले वन के लिए देखो, यहाँ पे कोई रोलिंग भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो अब हमारा क्या बनेगा? ये वाला क्या बनाएंगे हम? ये वाला एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये बन गए हमारे दो वन, ठीक है, मतलब ये फोर वन से मिला के एक और ग्रुप बन गया। इसके बाद अब बचा क्या है? लास्ट में ये वन बचा है, तो ये हमारा एक और ग्रुप बन जाएगा। अब हम इनकी भी नेमिंग करते हैं। तो पहले हम इस रोलिंग वाले ग्रुप की नेमिंग करें, तो ये क्या आ रहा है हमारा? इन दोनों रोस में आ रहा है। इन दोनों रोस में बी की वैल्यू क्या है? फिक्स है। क्या है? जीरो है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इन चारों कॉलम्स में कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अब इस ग्रुप के लिए देखें, तो इन चारों रोस में कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। यहां पर सी और डी की वैल्यू क्या है? फिक्स है। सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जीरो है। इसी तरह से यहां पर सी और डी की वैल्यू क्या है? वन वन है, तो हम क्या लिखेंगे? सी डी लिखेंगे। अब हम आते हैं इस स्मॉल सी पे। तो स्मॉल सी के लिए अब यहां पर देखो, तो अब हम क्या करते हैं? देखो इन सभी का मिला के हमारा एक ग्रुप बना। ओके, फिर क्योंकि हम सिक्स का कभी भी ग्रुप नहीं बना सकते, मतलब पावर टू ही होनी चाहिए। अब हम इन सभी का मिला के क्या कर दें? एक ग्रुप बना लें। अब हमारा क्या बच गया है? बस ये वाला वन बच गया है। ओके, तो अब हम फिर से क्या कर दें? इन सबका मिला के एक ग्रुप बना दें। ठीक है, तो अब इसकी हम नेमिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले ग्रुप में? हाँ, इन चारों रोस में ए और बी सब दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ पर इन दो कॉलम्स में अगर हम देखें तो सी की वैल्यू क्या है? फिक्स है, जीरो ही है, तो हम जीरो के लिए क्या लिखेंगे? सी का, यहाँ पे जीरो के लिए हम क्या लिखेंगे? सी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इसके बाद में अब इस वाले ग्रुप में देखें, तो इसमें इन चारों रोस में वैल्यूज चेंज हो रही है ए और बी की, जीरो है, देन वन है, यहाँ पे जीरो जीरो वन वन है। ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो किसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो सी की वैल्यू जीरो से वन हो रही है, लेकिन डी की वैल्यू क्या है? फिक्स है, वन ही है, तो हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो प्लस हमने क्या लिख दिया? डी लिख दिया। उसके बाद में इन दो रोस में अगर हम देखें तो ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट बी की वैल्यू क्या है? फिक्स है, वन है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्लस बी लिख देंगे। ओके, लेकिन इन चारों कॉलम्स में सी और डी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। ओके, इसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पर किस पे? डी पे। तो स्मॉल डी की क्या इक्वेशन बनेगी? तो यहाँ पे पहले हमें क्या बनाना है? इनका ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप किस तरह से बनेगा? देखो सबसे पहले इन दोनों वंस को लेना है हमें, तो यहां से रोलिंग तो होने दी है, तो हम क्या करें? हमारी कोशिश होती है सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की, तो ये एक ग्रुप बन गया। अब क्या बचता है यहाँ पर? ये दो वन से, अब इन दोनों का हम पेयर बनाने की बजाय क्या करें? इन डोंट केयर कंडीशंस के साथ इसको क्या कर दें? कंबाइन कर दें। ये हो गया। इसके बाद में आता है ये वाला वन। तो ये वाला वन भी अगर हम देखें तो वैसे और किसी के साथ यहाँ पे रोलिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारी कोशिश होती है सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की, तो हमने क्या बना दिया? ये वाला ग्रुप बना दिया। अब क्या बच रहा है? पहले एक तो ये वाला वन बच रहा है, तो अब इसकी भी हम क्या कर देंगे? ये इस टाइप से बना देंगे, ग्रुप रोलिंग कर देंगे। फिर अब बचा ये वाला वन, तो यहां पर फोर का ग्रुप पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा? ओनली ये पेयर ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले इन दो रोस में हम इस बड़े वाले ग्रुप का नाम लिखे, तो इन दोनों रोस में किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही? ए की वैल्यू, वन ही है, तो हमने क्या लिखा? ए लिखा। इसके बाद में और कुछ नहीं हो सकता है, बाकी सब हमें एलिमिनेट ही करने पड़ेंगे। फिर हम आते हैं इस वाले ग्रुप पे। कौन से वाले पे? इस वाले पे। तो यहाँ पे प्लस लगाया। अब यहाँ पे इन दोनों रोस में बी की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा। अब इन दोनों कॉलम्स में सी की वैल्यू वन है, तो हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। ओके, इसके बाद में प्लस लगाया।
फिर हम इस वाले ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ए बी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, सी और डी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, इसके बाद में अब बचा ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, तो इन दोनों रोस में मतलब ये जो 4 कॉर्नर से मिलकर बना है, इन इन वाले इनमें 2 रोस में आ रहा है ये, इन 2 रोस में क्या हो रही है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और फिर इसके बाद में हम क्या देखें, इन दोनों कॉलम्स में डी की वैल्यू क्या है 0 ही है, फिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, डी का भी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ये हो गया। अब बचा ये वाला, तो हम प्लस लगाएंगे यहां पर, इन दोनों में हम देखें तो बी की वैल्यू फिक्स है 1 है, तो बी लिखा। और इसके बाद में यहां पर हम देखें इस वाले कॉलम में सी की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, तो ये हो गया इस वाले के एम एफ का। अब हम आते हैं ई पे, तो अब हम ई की किस टाइप से लिखेंगे, पहले हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो यहां पर हम देखें तो हम पहले इस वन की बात कर, इन दोनों वंस को हमें कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक ग्रुप बना देंगे। ओके, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये वन तो ये हम कॉर्नर से मिला के हम क्या कर देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। ओके, तो अब हम इसका नाम लिखें, तो क्या होगा इसका, स्मॉल ई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पहले इस वाले ग्रुप का नाम लिखें, तो यहां पे क्या है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, इसके बाद में इन कॉर्नर्स की बात करें तो ये कॉर्नर्स का क्या हो जाएगा, यहां पर देखो बी की वैल्यू क्या है, इन दोनों में 0 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 0 है दोनों में, तो D का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अब आता है ये वाला, तो ये किस तरह से बनेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, ये एक सबसे बड़ा ग्रुप बना देंगे, इसके बाद इन दो वंस को करना है हमें कवर, इन दो वंस के लिए हम क्या बनाएंगे, ये 4 का एक ग्रुप बनाएंगे। फिर आता है ये वाला वन, ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रोलिंग करेंगे। ओके, अब आता है ये वाला वन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ग्रुप बना देंगे। हो गए सब कवर। अब हमें क्या करना है, इसका भी नाम लिखना है, इसकी भी इक्वेशन लिखनी है, तो F इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, पहले इस वाले ग्रुप के लिए क्या लिख देंगे हम, A बस, और तो सब क्या हो रही है, B की वैल्यू भी चेंज हो रही है, CD की वैल्यू भी चेंज हो रही है। फिर आते हैं हम इस वाले ग्रुप पे, कौन से वाले पे, इस वाले ग्रुप पे, तो ये इन दो रोस में आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, और इन दोनों कॉलम्स में किसकी वैल्यू फिक्स है, डी की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। प्लस अब इस वाले ग्रुप में हम देखें तो बी की वैल्यू 1 है, और फिर क्या हो रहा है, इन दोनों कॉलम्स में सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब कौन सा बचा, ये वाला बचा, तो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू क्या है 0 0 ही है, तो सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। अब आता है हमारा ये लास्ट वाला, तो इस लास्ट में हमें क्या करना है, देखो पहले इन दो वंस को कवर करने के लिए ये वाला ग्रुप बन जाएगा। ओके, इसके बाद में इन दोनों वंस का हमें लेना है, तो अब यहां से रोलिंग तो पॉसिबल नहीं है, ये एक ग्रुप बन जाएगा। ओके, इसके बाद में हम क्या करें, ये वाला एक ग्रुप बन जाएगा, ये इन दोनों को मिला के, हम चाहते तो ये वाली रोलिंग भी कर सकते थे, और फिर ये वाला एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब हम क्या करें, इसकी भी नेमिंग करें, तो अब ये लास्ट क्या है, स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी की इक्वेशन क्या आएगी, पहले इन दोनों के लिए ए, ओके, इसके बाद में इस वाले ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि बी की वैल्यू ही फिक्स है, तो प्लस बी। फिर हम क्या करें, इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम देखें तो बी की वैल्यू क्या है फिक्स है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू 1 है, तो ये सी हो जाएगा। तो ये क्या कर लिया हमने, सारी इक्वेशंस निकाल ली, और इन्हीं की हेल्प से हमें क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है।